Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So class 8th students, we have read our second chapter, that is working in Microsoft Excel. We have already know what worksheets are, how to enter, how to rename or delete a worksheet, and then we'll discuss about range, then we discussed about formulas, types of formulas, cell references, relative, absolute, mixed, and now we will move to our next topic, that is entering a formula. It will show how we can enter a formula in a worksheet. So you can use a mouse or keyboard to enter a formula. Let us enter a formula to add the data shown in cells A1, B1 and C1. The result will be displayed in a cell where the formula is entered. Here it will be cell D1. वो ये कह रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला एंटर करेंगे टू ऐड द डेटा. कौन से सेल्स का डेटा? A1, B1 एंड C1. कौन से सेल में हमने उसका आंसर डिस्प्ले करना है? D1 में. सो फर्स्ट वी विल एंटर अ फॉर्मूला यूजिंग द माउस. फर्स्टली क्लिक ऑन सेल D1. D1 वो वाला सेल जिसमें आपने डेटा को एंटर करना है, दैट मीन्स आंसर को एंटर करना है. तो ये हमारे सेल्स हैं, ए बी सी डी कॉलम्स हैं और ये रो है. तो ये A1 है, B1, C1 एंड D1. D1 वो है जिसमें हमने आंसर शो करना है. तो उन्होंने बोला फर्स्ट क्लिक ऑन D1 एंड टाइप इक्वल टू इन इट. ये हमने रीड किया था कि फॉर्मूला के हमेशा स्टार्टिंग में इक्वल टू डालना ही डालना है. तो हमने इक्वल इक्वल टू यहाँ पे डाला. क्लिक ऑन सेल A1. जैसे हमने सेल A1 पे क्लिक किया तो इसका एड्रेस विल अपीयर इन सेल D1. इसका एड्रेस D1 में शो हो जाएगा, यानी कि D1 में A1 शो होना शुरू हो जाएगा. देन वी हैव टू टाइप प्लस आफ्टर दैट. जब ये खुद ब खुद शो होना शुरू हो गया तो हमने क्या टाइप किया? प्लस. देन क्लिक ऑन B1. यहाँ पे क्लिक किया हमने B1 पे तो B1 शो हो गया. इट विल अपीयर इन सेल D1 एंड देन टाइप प्लस आफ्टर दैट. इसके बाद हमने फिर से प्लस डाला. देन क्लिक ऑन सेल C1. अभी हमने C1 पे क्लिक किया. इट्स एड्रेस विल अपीयर इन सेल D1. इसका एड्रेस भी D1 में अपीयर हो गया. आफ्टर दैट प्रेस द एंटर की. जब फॉर्मूला एंटर हो जाए, हमने तीन स्टेटमेंट्स को ऐड करना था. जब तीन कंप्लीट हो गई तो हमने क्या प्रेस किया? एंटर. देन सेल D1 विल डिस्प्ले द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम A1 टू C1. तो D1 में क्या हो जाएगा? A1 से लेके C1 तक की सारी वैल्यू का टोटल शो हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर अ फॉर्मूला यूजिंग योर माउस. नाउ हाउ यू कैन एंटर अ फॉर्मूला यूजिंग द कीबोर्ड. फर्स्टली सेम टाइप इज इक्वल टू इन सेल D1. D1 में आपने इज इक्वल टू टाइप करना है. प्रेस द लेफ्ट एरो की टू मूव टू सेल A1. अपने कीबोर्ड से एरो कीज यूज़ करनी है आपने. तो लेफ्ट एरो की जो होगी उसको जब आप प्रेस करोगे तो कर्सर आपका या सेल जो सिलेक्ट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? A1. आपने वहाँ पे जाना है. उसके बाद आपको क्या टाइप करना है? प्लस. देन प्रेस द लेफ्ट एरो की टू मूव टू सेल B1. हमने फिर से प्रेस करना है ताकि हम B1 पे जाएं. देन अगेन वी हैव टू टाइप प्लस. देन अगेन लेफ्ट एरो की टू मूव टू सेल C1. C1 पे ऊपर जाएंगे हम. एरो कीज यूज़ करनी है कीबोर्ड से. देन प्रेस एंटर की. सेल D1 विल डिस्प्ले द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम सेल्स A1 टू C1. तो जो सेल होगा D1 उसमें सारी वैल्यूज़ का जो टोटल है वो हमें शो हो जाएगा.
यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दी है, द लेंथ ऑफ अ फॉर्मूला कैन नॉट बी मोर देन 8192 करेक्टर्स, के 8192 करेक्टर से ज़्यादा फॉर्मूला लंबा नहीं हो सकता है। ओके, मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। अ सिलेक्टेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ सेल रेंज। जो सिलेक्टेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक था, जैसे हमने पहले कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज ये है, अगर हमने यहाँ पे कर्सर लेके उसको ड्रैग किया यहाँ तक, तो A1 से लेके D1 तक का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, सेल रेंज। देन फॉर्मूला बिगन्स विद एन इक्वल साइन, इक्वल्स के साइन के साथ फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है। इन ए और एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, द रेफरेंस ऑफ अ सेल डज नॉट चेंज। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है, जो जब भी हम उसको कॉपी करते हैं तो सेल की जो रेफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होती है। देन फोर्थ इज अ डैश सेल रेफरेंस यूज्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉलम एंड रो रेफरेंसेज, किसमें दोनों होते हैं मिक्सड में। द लेंथ ऑफ अ फॉर्मूला कैन नॉट बी मोर देन डैश करेक्टर, कितने करेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं फॉर्मूला में, 8192। नाउ कॉपिंग अ फॉर्मूला, हाउ वी कैन कॉपी अ फॉर्मूला, एक्सेल अलाउ यू टू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम सेल्स टू अनदर। हम वन सेल से अनदर सेल में फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं, सेम जैसे हम फाइल्स कॉपी करते हैं। इट ऑटोमेटिकली चेंजेस द सेल रेफरेंस टू अप्लाई द कॉपीड फॉर्मूला टू द न्यू सेल्स। इसका क्या मतलब है कि जब आप एक सेल से फॉर्मूला कॉपी करके दूसरे सेल में जाते हो तो उसकी जो रेफरेंसेस होती हैं वो चेंज हो जाएंगी। फर्स्टली कॉपिंग अ फॉर्मूला यूजिंग द फिल हैंडल, फिल हैंडल से हम फॉर्मूला कैसे कॉपी करेंगे, और ये लाइन का मतलब भी हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझेंगे। क्लिक एंड सिलेक्ट द सेल दैट कंटेन द फॉर्मूला टू बी कॉपीड। सपोज सेल D1 में एक फॉर्मूला है जिसको हमने कॉपी करना है, इसमें क्या फॉर्मूला था, A1 प्लस V1 प्लस C1। ओके, देन ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, जो सेल का बॉटम राइट कॉर्नर होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड पे बिल्कुल नीचे। द पॉइंटर टर्न्स टू अ प्लस साइन, जब आप यहाँ पे अपना माउस लेके आओगे तो वो ऐसा प्लस साइन जैसा बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड फिल हैंडल, इसको फिल हैंडल बोला जाता है। ड्रैग इट अक्रॉस द कॉलम टू सिलेक्ट द सेल्स वेयर द फॉर्मूला इज टू बी कॉपीड, और उस प्लस साइन को आपने क्लिक करना है, देन उसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, जहाँ तक भी आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ तक। तो इसके साथ क्या होगा, फॉर्मूला वहाँ तक कॉपी हो जाएगा। रिलीज द माउस बटन, जहाँ पे आपको एंड तक जाना है वहाँ पे जाके माउस का बटन छोड़ दीजिए। एक्सेल विल डिस्प्ले द रिजल्ट, एक्सेल ऑटोमेटिकली रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। जैसे D1 में A1 से लेके C1 तक की एडिशन थी, तो वैसे ही D2 में A2 से लेके C2 तक की एडिशन आ जाएगी। वैसे ही जितना भी आप ड्रैग करते जाओगे उतना ही एडिशन वो करता जाएगा रो वाइज। यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जांपल दिया, तो उन्होंने ड्रैग किया, जैसे ही नीचे किया तो इन दोनों का भी उन्होंने टोटल कर दिया दोनों रोज का। देन कॉपिंग अ फॉर्मूला यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट से हम फॉर्मूला कैसे कॉपी करेंगे। द कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर यूज टू कॉपी अ फॉर्मूला एंड पेस्ट इट इनटू वन और मोर सेल्स। कॉपी और पेस्ट ऐसे हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कॉपी अ फॉर्मूला और पेस्ट किसी और सेल में करना है हमने जाके। टू डू दिस फॉलो दिस स्टेप्स, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने। फर्स्ट इज सिलेक्ट द सेल विद द फॉर्मूला यू वॉन्ट टू कॉपी, उस सेल को सिलेक्ट करो जिसमें फॉर्मूला है जिसको आपने कॉपी करना है। सपोज इस सेल में फॉर्मूला, मैंने इसको कॉपी करना है। क्लिक ऑन द कॉपी फ्रॉम द क्लिप बोर्ड ग्रुप, जो आपकी वर्कशीट के ऊपर सबसे ग्रुप होते हैं ना बने हुए, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, आई विल शो यू। ऑन पेज नंबर 17 यहाँ पे देखो ये सारे ग्रुप्स बने हुए हैं ना रिबन पे। ओके, तो यहाँ से हमने क्लिप बोर्ड में से कॉपी को चूज़ करना है, तो दिस इज़ योर कॉपी साइन फ्रॉम द क्लिप बोर्ड, ये आपका क्लिप बोर्ड है और ये आपका कॉपी साइन है, इसमें से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द सेल वेयर यू वॉन्ट टू पेस्ट द फॉर्मूला, अभी उस नेक्स्ट सेल पे जाना है जहाँ पे आपने फॉर्मूला को पेस्ट करना है,
देन क्लिक ऑन द पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में ही पेस्ट की ऑप्शन है उसी पे क्लिक कर देना है अपने, तो आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो बेसिकली टू टाइप्स हैं फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए, एक सिंपली आपने माउस के साथ क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, बॉटम राइट कॉर्नर पे जाना है, उसको ड्रैग करके नीचे लेके आ जाना, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे यू कैन यूज़। देन अगेन आपने जिस फॉर्मूला को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, क्लिपबोर्ड में से कॉपी चूज़ कीजिए, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट करना है, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और पेस्ट चूज़ कीजिए। ओके बच्चा, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। इट हैज़ द टॉपिक एरर्स, एरर्स मतलब गलतियाँ या मिस्टेक्स जो होती हैं, तो ऑब्वियसली जब भी हम काम करते हैं तो देयर विल बी मिस्टेक्स ना। सो एन एरर इन एक्सेल मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे यू योर फॉर्मूला हैज़ बीन टाइप्ड। तो एरर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आपने जो फॉर्मूला टाइप किया है उसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, और देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद द सेल्स यू आर रेफरेंसिंग। और जहाँ पे आप कोई सेल रेफरेंस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी कोई मिस्टेक हो सकती है, सपोज आपने गलत सेल को चूज़ किया है। एक्सेल यूजेस सेवरल एरर वैल्यूज ऑल ऑफ विच बिगन विद द नंबर और हैश साइन। तो एक्सेल जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करता है, एरर वैल्यूज़ को, एंड ऑल बिगन विद द नंबर और हैश साइन। तो जो वो हैश के साथ स्टार्ट होती हैं, जब भी एक्सेल को कोई एरर हमें स्टेटमेंट में देना होता है तो वो हैश साइन यूज़ करता है। फिगर 2.18 शो सम ऑफ द एरर्स दैट एक्सेल कैन डिस्प्ले। तो इसमें हमें जो नेक्स्ट फिगर है उसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से एरर्स होते हैं। सो फर्स्टली इन्होंने यहाँ पे हैश डाल के डाला है कि डिवाइड बाय ज़ीरो, डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमारे मैथमेटिक्स में हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हमें एरर शो करेगा। देखो यहाँ पे हैश आ गया है आगे, डिवीज़न बाय ज़ीरो, इसका मतलब है डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, ये एरर का साइन आ जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ कॉलम इज़ नॉट वाइड इनफ फॉर द वैल्यू। सपोज कॉलम का साइज़ सिर्फ इतना है छोटा सा, लेकिन उसमें वैल्यू उन्होंने इतनी बड़ी डाली हुई है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको हैश में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स कि कॉलम आपका उतना बड़ा नहीं है कि उसमें पूरी की पूरी वैल्यू फिट आ जाए। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो एन एरर। देन अगेन थर्ड वन इज़ वैल्यू इज़ नॉट रिकोगनाइज बाय एक्सेल, कि कोई हमने ऐसी वैल्यू डाल दी है जिसको एक्सेल के बारे एक्सेल को जिसके बारे में पता ही नहीं है। इन्होंने 6 और 7 डाला और A3 में कितना डाल दिया टोटल, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A3 में टोटल आया, तो टोटल को हम ऐड नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, वैल्यू नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल, कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो ऐड नहीं हो सकती है, लेकिन आप उसको ऐड करा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एरर। और फोर्थ एरर इज़ इनवैलिड सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला, कि आपने कोई ऐसा सेल रेफर किया है जो है ही नहीं, यहाँ पे A1 है, A2 है और तीसरा ये है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो इज इक्वल टू A1 प्लस हैश रेफरेंस प्लस A2, तो कोई ऐसा सेल रेफर कर दिया जिसमें कोई या तो गलत वैल्यू है या वैल्यू है ही नहीं है, सो इनवैलिड सेल रेफरेंस, के सेल रेफरेंस हो ही नहीं सकती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स विद दिस आवर सेकेंड चैप्टर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। जिन जिन के पास PC है वो ट्राई करना, अदरवाइज आपकी ऑनलाइन इंट्रैक्शन क्लास में आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके बच्चा, इसको रीड करना है प्रॉपरली, बहुत ईजी चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।